और अब बात कर लेते हैं दूसरे चरण के रण की। यूपी की 8 सीटों पर मतदान जारी है। मेरठ में 47.6% और बागपत में 42.92% मतदान अब तक हो चुका है। वोट परसेंटेज क्या है ये आपको हर एक जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से देंगे। अलीगढ़ की अगर बात करें तो अलीगढ़ में अब तक 44.03% मतदान हुआ है। गाजियाबाद में 41.13%। ये देखिए अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लंबी कतारें लोगों की लगी हुई हैं। एक घंटे का वक्त अभी बाकी है। सबसे बड़ा चुनाव और सबसे बड़ी न्यूज 18 की कवरेज भी जारी है और आप हैशटैग इलेक्शन विद न्यूज 18 पर जाकर हर एक डिटेल न्यूज 18 आपको देगा, इलेक्शन को लेकर हर सीट को लेकर जानकारी देगा। लेकिन फिलहाल आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, साथ ही ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको वोट परसेंटेज भी बता रहे हैं और कहां पर किसका मुकाबला किसके बीच में है ये भी आप देख सकते हैं। ये देखिए मेरठ से 47.52% मतदान अब तक हो चुका है। और साथ ही आपको बता दें अलग अलग सीट की बात करें, बागपत सीट की बात करें, बुलंदशहर में भी मतदान होगा हो रहा है और बागपत में देखिए 42.92% वोट अब तक बागपत में पड़ चुके हैं। और तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, गाजियाबाद से फराह खान और मथुरा से नितिन गौतम हमारे से भी जुड़े हैं, नोएडा से हिमांशु शुक्ला और अलीगढ़ से रंजीत सिंह हमारे तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम मथुरा का रुख कर लेते हैं नितिन गौतम का। मथुरा सीट की बात करें, हेमा मालिनी लगातार दावे वादे करती रखी हैं कि उन्हीं की जीत होगी, भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से जनता वोट देकर विजयी बनाएगी। लेकिन अगर मथुरा की जनता की बात करें, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, वोटिंग का वक्त है समाप्त होने में, वहां के मुद्दे क्या है, वहां की जनता क्या सोच के वोट कास्ट कर रही है नितिन? देखिए अगर हम बात करें तो 3 बजे तक जो 38% जो है वो मतदान हो चुका है और माना जा रहा है कि लगभग शाम 6 बजे तक जब तक अगर वोटिंग होगी तो करीब 50% तक का मतदान पहुंचेगा। हमारे साथ कुछ लोग भागे, उनसे हम बात करेंगे कि किन मुद्दों को वो ध्यान में रखते हुए यहाँ पर वोट डालकर आए हैं। जी किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आपने वोट डाला? महिलाओं के सम्मान को देखते हुए, महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए, राष्ट्र की सुरक्षा को देखते हुए, समृद्धि को देखते हुए, इसके लिए हमने मोदी जी को वोट दिया है। देखिए जो लोगों के सामने है वो देश की बात है, सुरक्षा की बात है, महिला सुरक्षा की बात करें, आप भी वोट डालकर आए हैं, कहाँ है आपका निशाना वोट डाला है? ये किन मुद्दों को ध्यान में रखकर? देखिए राष्ट्रवाद के लिए वोट डाला है, विकास के लिए वोट डाला है, कृषि जन्मभूमि के लिए वोट डाला है, इन 3 मुद्दों को लेकर हमने वोट करके आए हैं। मथुरा के लोग बड़ी बेबाकी से बता रहे हैं कि किन मुद्दों को लेकर उन्होंने वोट डाला है। हमारे साथ कुछ लोग भाग और उनसे बात करना, आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है? अच्छा किन मुद्दों को लेकर आपने जो है वोट डाला? अगर बात करें सांसद हेमा मालिनी की तो मथुरा का कितना विकास किया, क्योंकि लगातार हेमा मालिनी कहती हैं कि उनकी तरफ से विकास किया गया, ब्रज का विकास किया गया, अभी और आगे विकास होगा, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट डाला? जैसा कि आप जानते हैं मथुरा की सीट हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत में आज हॉट सीट बनी हुई है, सभी की नजर मथुरा पे टिकी हुई है। हेमा मालिनी जी ने पिछले 10 साल में यहाँ अभूतपूर्व कार्य कराए हैं और मोदी जी और योगी जी ने जो विकास कार्य किए हैं जो कि पूरे विश्व में उनका नाम है, आप देख सकते हैं कि आज पहले हमारे उत्तर प्रदेश में कितना भय का वातावरण था, माफिया गुंडा राज था, आज राम राज की कल्पना करके हम वोट डाल रहे हैं। 2047 में हमारा देश ठीक है। मैं आपके पास लौटूंगी, आप गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी फराह खान जुड़े हुए हैं। फराह अगर गाजियाबाद सीट की बात करें तो अतुल गर्ग बीजेपी की तरफ से हैं और साथ ही डॉली शर्मा कांग्रेस की तरफ से हैं और जनरल वीके सिंह का टिकट काटने के बाद अतुल गर्ग को टिकट मिला था। तो वहां के अगर रुख की बात करें, वहां की तस्वीरों की बात करें, वहां पर किन मुद्दों पर चुनाव अभी हो रहे हैं और क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है तो जरा जनता से भी बातचीत करें, तस्वीरें भी दिखाएं फरा। जी नालिनी, इस वक्त जो मैं हूँ एक पोलिंग बूथ पर मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज यही है कि अभी जैसे शाम का वक्त हो गया है तो जो लाइनें देखने को मिलती है वो नहीं है और वोटिंग परसेंट की अगर हम बात करें तो 41.13 वोटिंग परसेंट है। सीधा लोगों से बात करते हैं, पहले लोगों से जानते हैं क्या मुद्दे हैं। वोट देकर आई आप, दिखाइए किन चीजों को ध्यान में रखते हो वोट किया, क्या मन में था, महिला सुरक्षा क्या सोचती हैं, क्या सोच के वोट दिया है? जी हम तो सुरक्षा चाहते हैं, महिला की सुरक्षा होना चाहिए, सुरक्षित महसूस करती है। हाँ तो देखिए नलिनी, यहाँ पर एक सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि देखिए दिल्ली से सटी हुई सीट है, VVIP सीट है और बहुत खास भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली चीज ये है कि अगर हम 2014 की बात करें तो 56% मतदान हुआ था, 2019 की बात करें तो 55% हुआ था और अभी तक की अगर हम बात करें 41% हुआ है। तो कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज डाउन होता जा रहा है, बहुत कम समय बचा है और यही कयास लगाए जा रहे हैं कि वोटिंग प्रतिशत उस तरीके से
मंगला भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अगर हिमांशु गौतम बुद्ध नगर सीट की बात करें तो डॉक्टर महेश शर्मा और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी डॉक्टर प्रत्याशी उतारा गया है, डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर। वहां का मुकाबला भी त्रिकोणीय है, दिलचस्प मुकाबला है। जरा वहां की जनता से बातचीत करें, किस तरह का रुख नजर आ रहा है। देखिए, जाहिर तौर पे नल्ली सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। इस तरीके के जो बूथ हैं वो पहली बार हैं जो शहर में बने हैं, और खास तौर पे जो हाई राइज सोसाइटीज़ हैं, जो गेटेड सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे इस तरीके के बूथ बनाए गए हैं ताकि जो रेजिडेंट्स हैं, जो सोसाइटीज़ के रेजिडेंट हैं, उनको आम सहूलियत मिल सके। और साथ ही तमाम तरीके की साज सजावट की है, क्योंकि इसे लोकतंत्र का महापर्व कहते हैं। लेकिन इन सबके बीच जो यहाँ के रेजिडेंट हैं, जो वोट कास्ट कर चुके हैं, उनसे सीधी बातचीत करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर किन चीज़ों को ध्यान में रख उन्होंने वोट किया है। आपका वोट किसके नाम था? सुरक्षा और विकास के नाम। आपका? सुरक्षा और विकास। सर, आपका वोट? जय श्री राम। आपने वोट किया किन मुद्दों के साथ किया और कैसी सरकार चाहते हैं? सबसे पहले सरकार हम वो चाहते हैं जो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत से रेजिडेंट्स हैं, यहाँ पे जो है जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, तो हमें आने वाले टाइम पे यहाँ पर एम्स चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए और हमें सरकारी स्कूल चाहिए। देखेंगे यहाँ पे प्राइवेट स्कूलों से भरा हुआ ग्रेटर नोएडा वेस्ट, लेकिन एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है। ऐसा क्यों? इस सब का हमें जवाब चाहिए और आने वाली सरकार से ये हमारी रिक्वेस्ट है कि इन सब मुद्दों के ऊपर, बच्चों की जो स्कूलिंग है, अच्छी हॉस्पिटलाइजेशन है, इसके ऊपर काम किया जाए। आपको क्या लगता है कि जब आपने वोट कास्ट किया तो किन मुद्दों को, क्या लोकल मुद्दे हावी थे इस बार? बहुत सारे मुद्दे हैं और मेरे लिए सच बोले तो लोकल मुद्दा उतना हावी नहीं है जितना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हावी है। सबसे बड़ी बात तो आपने जो पूछा कि विकास क्या हुआ है, तो विकास के लिए मैं बात करूँगा जो तीन वर्ग हैं, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्चतम वर्ग। इन तीनों वर्गों के लिए अलग अलग योजनाएं चली हैं। निम्न वर्ग के लिए आप देखिए घर बनाए गए, उनके लिए गैस दी गई, उनको नोएडा की जनता की बहुत बड़ी समस्या रजिस्ट्री को लेकर भी है। एक लंबे वक्त तक बिल्डिंग तो बन जाती लेकिन रजिस्ट्री नहीं हो पाती, कई लोगों ने इसका भी मुद्दा उठाया था, तो क्या ये मुद्दे भी उनके जहन में है? और उच्चतम वर्ग के लिए क्या हो रहा है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। एक सवाल है, एंकर ने पूछा है, वो ये जानना चाह रही है, यहाँ पे रजिस्ट्री एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या इस बार वो इलेक्शन में आई है? हमारी सोसाइटी में जीरो मुद्दा ही है, बाकी जगह होगा तो मुझे पता नहीं, यहाँ पे तो कोई मुद्दा नहीं है वाला। हाँ, जिन सोसाइटीज़ में नहीं हुआ है वहाँ ज़रूर देखना चाहिए कि लोगों ने, जिन्होंने 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, पैसे दे रखे हैं, घर नहीं मिल रहा है, और जिनको मिल गया उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है, तो मुद्दा तो गंभीर है। हाँ, चेरी में ये मुद्दा नहीं है, मतलब जिस सोसाइटी में मौजूद है यहाँ पे वो मुद्दा नहीं है। हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से इस चुनाव को देखे हैं। उत्तर प्रदेश में इतना क्या बातचीत जारी रखेगा और अलीगढ़ का भी रुख जान लेते हैं। रंजीत सिंह हमारे सहयोगी यहां से जुड़े हुए। रंजीत, जरा वहां की तस्वीरें भी दिखाएं, लोगों से बातचीत करें, वहां के मुद्दे क्या हैं, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला अलीगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। सतीश कुमार गौतम बीजेपी से यहाँ से पिछली बार चुनाव जीते, तो वहां का रुख क्या है फिलहाल अलीगढ़ की बात करें तो? देखिए, 2014 की बात करें या 2019 की, 2014 में सांसद जो सतीश गौतम है इस वक्त मौजूद है वो 286,000 और 2019 में 226,000, और इस बार भी भाजपा ने तीसरी बार उन पर भरोसा जताया। यहाँ पर जो स्थिति है वो त्रिकोणीय नजर आ रही है। भाजपा सपा में अच्छी टक्कर थी, लेकिन जो बसपा ने अपना कैंडिडेट उतारा है हितेंद्र उपाध्याय, उन्होंने भी यहाँ पर इन दोनों प्रत्याशियों को अच्छी टक्कर दी है। मैं इस वक्त बूथ पर मौजूद हूँ और देखिए सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर कितने पुख्ता इंतजाम है। यहाँ पर कोई भी जब वोट डालने आ रहा है तो उसका मोबाइल बोतल, पानी की बोतल, हर चीज चेक की जा रही है, बारीकी से मॉनिटरिंग के साथ उसको यहाँ पर भेजा जा रहा है। और मेरे साथ बूथ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो वोट डालकर आए हैं, मैं उनसे जानूंगा क्या कहेंगे आज के मतदान को लेकर। मतदान बहुत ही अच्छा है, सुरक्षा के हिसाब से देखें तो पिछली बार की अपेक्षा सुरक्षा का ज्यादा ध्यान रखा गया है और मतदान बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। आप क्या कहेंगे मतदान को लेकर? जो भाई बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ और मुझे लगता है कि पहले से अच्छा हो रहा है मतदान। ये देखिए, ये लोग तो थे जो वोट डालकर आए हैं, और देखिए माताएं, बुजुर्ग, ये कितने जो बुजुर्ग लोग हैं ये भी आज। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। लोगों का रुख क्या है, क्या सोचकर वोट कास्ट कर रहे हैं, ये आप सबने हम तक पहुंचाया है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की 88 सीटों पर प्रत्याशियों का इम्तिहान है और इस सीट में कई दिग्गज चुनावी मैदान में है, जिसमें केंद्रीय मंत्री से लेकर विपक्ष के बड़े नेता एक साथ शामिल हैं और जो कि खुद वोट देने आए लोगों से भी अपील करते नजर आए। देखिए रिपोर्ट। देश पूरी तरीके से चुनावी मोड में है। दूसरे चरण के लिए 13 राज्यों की 88 सीटों पर चुनावी फाइट है। इसमें राजनीति के कई दिग्गज हुंकार भर रहे हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री से लेकर के विपक्ष के बड़े नेता शामिल हैं।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। वोट डालने के बाद कहा, राजस्थान में बीजेपी सभी सीटें जीतेगी, विपक्ष पर वार किया। मोदी जी ने देश के अंदर जो ऐतिहासिक काम किए हैं, जो ऐतिहासिक फैसले किए, निर्णय किए, देश को आगे बढ़ाया, देश की ताकत दी, नई दिशा दी, इस और आगे का रोड मैप बनाया, इसलिए और लोगों का विश्वास भरोसा मोदी जी के प्रति बढ़ा। इंडिया गठबंधन आप मानते हैं कि मुकाबले में? इंडिया गठबंधन कोई गठबंधन बचाए नहीं है। हाँ। उनके अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली है, उनका कोई नेता डिसाइड नहीं है, इसलिए इंडिया गठबंधन बनाने की कोशिश की, लेकिन जब अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं, अलग अलग भाषा यूज करते हैं, तो मुझे लगता है इंडिया गठबंधन कहीं चुनाव में दिख नहीं रहा। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। जोधपुर से वो चुनावी ताल ठोक रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत भी मतदान के लिए पहुंचे। कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह वो कह रहे हैं कि जिस तरह से आप 2047 में विकसित भारत की बात कर रहे हो, वो ऐसी तरह से स्वर्ग तक सोने की सीढ़ी बनवा देंगे। देखिए, इस तरह का झूठ बोलने की राजनीति शायद वही करते होंगे कि सोने की सीढ़ी चढ़ाएं या आलू से सोना निकालें। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस संकल्प के साथ में काम कर रही है कि हम भारत को विकसित बनाएंगे और आज़ादी के 100 साल पूरे होने तक 2047 तक तो हैट्रिक लगेगी गजेंद्र और निश्चित रूप से। हेमा मालिनी मथुरा सीट से लगातार दो बार सांसद हैं और तीसरी बार भी उन्होंने जीत की उम्मीद जताई है। मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी को सुन रहे थे आप, जिनका यह कहना है कि हम जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, जीत की हैट्रिक लगेगी और विपक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा है। बीते 10 बरस में जो काम उनकी तरफ से किया गया है, उनको भरोसा है कि उसी काम पर जनता मुहर लगाएगी। मेरठ सीट हाई प्रोफाइल बन गई है। रामायण के राम और बीजेपी के प्रत्याशी अरुण गोविल का इम्तिहान है। मतलब हमारे दिल में कुछ और है, हम कहें कुछ और। ये काम मैंने कभी जिंदगी में किया भी नहीं है और मैं अभी भी नहीं करना चाहता, कि कोई जरूरत नहीं है उसकी करने की, ताकि लोगों को समझ में आए कि जो मैं कह रहा हूँ आई मीन इट, यू नो। तो उससे फर्क पड़ता है बहुत, लोगों के जो हमारे प्रति जो विश्वास है वो बढ़ता है। गाजियाबाद में बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग और परिवार के साथ मतदान केंद्र में वोट देने आए, उनका मुकाबला कांग्रेस की डॉली शर्मा से है। गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी ने महेश शर्मा को उतारा है। महेश शर्मा का कहना है कि लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है।